हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन लॉ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे किडनैपिंग एंड एबडक्शन, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये किडनैपिंग और एबडक्शन सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 369 तक दिया हुआ है। द वर्ड किडनैपिंग हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड किड मीन्स चाइल्ड एंड नैपिंग मीन्स टू स्टील। द किडनैपिंग लिटरली मीन्स चाइल्ड स्टीलिंग। The kidnapping consists of stealing and carrying away or secreting any person, whether in the same country or by sending him away from his own country into some other. Kidnapping मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि kidnapping consists of stealing and carrying away or secreting any person, मतलब कि किसी भी person को stealing कर लेना, carrying away मतलब कहीं ले जाना या कहीं छुपा देना, या तो मतलब वेदर इन द सेम कंट्री और बाय सेंडिंग हिम अवे फ्रॉम हिज ओन कंट्री इन टू सम अदर, मतलब कि उसकी खुद जिस कंट्री में वह रह रहा उसी कंट्री में उसको छिपा देना है और उसी में उसको मतलब कैरी करके ले जाना, और बाय सेंडिंग हिम अवे फ्रॉम हिज ओन कंट्री मतलब एक कंट्री से, उसकी जो कंट्री है उसी कंट्री से उसको किसी दूसरी जगह पर ले जाना। अब हम आते हैं सेक्शन 359, जो कि बताता है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। ये किडनैपिंग के बारे में बताता है कि किडनैपिंग टू काइंड्स की होती है। पहली होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। देन हम आते हैं सेक्शन 360 पे, जिसमें बताया गया है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मतलब वेदर conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of same person legally authorized to consent on behalf of the of that person is said to be kidnapped that person from India। हाँ, तो इस सेक्शन में बताया गया है कि whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना उसके कंसेंट के अपनी मतलब कंट्री से कहीं और ले जाता है, मतलब जैसे इंडिया से बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की जो इंडिया से मतलब बाहर ले जाना, उसको एक कंट्री से मतलब दूसरी कंट्री में ले जाना, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि जो पर्सन जिसको ले जाया जा रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसके बिहाफ में जैसे कि कोई ना उसके बिहाफ में जो ऑथोराइज्ड पर्सन रहता है जो उसकी मंजूरी दे सकता है, पर उसकी मंजूरी नहीं ली गई है, मतलब किसी बच्चे को किसी को मतलब कोई किडनैप करके ले जा रहा है, पर उसकी जो कंसेंट, बच्चा तो नहीं दे सकता पर वो उसकी जो कंसेंट है वो उसके गार्जियन से ली जाती है, और जो कि इसमें कहा गया है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ सम पर्सन हु लीगली ऑथोराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब बिना उसकी कंसेंट से किसी को ले जाना इज सेड टू बी किडनैप दैट पर्सन। अब हम आते हैं सेक्शन 361, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। हूएवर टेक्स entices any minor under the age of 16 if male or under 18 years of age if female or any person of unsound mind without the consent of such guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to be kidnap such minor or person from lawful guardianship। हाँ, तो इस सेक्शन में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में बताया गया है कि हुअर इंटाइसिंग, इंटाइसिस मतलब कि बहलाना, किसी को बहला के फुसला के अपनी बातों में उसको ले लेना और उसको कहीं पे ले जाना, उसमें बताया गया है कि हुएवर टैक्स इंटाइसिस एनी माइनर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल, अगर कोई भी किसी को बहलाता फुसलाता है वो माइनर अगर कोई मेल है तो वो सिक्स उसकी एज लिमिट्स इसमें बताए गए कि वो 16 इयर्स का होना ज़रूरी है तभी वो माइनर कहलाएगा, और अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इफ अ फीमेल, अगर कोई फीमेल है उसकी एज 18 इयर्स
अगर 18 ईयर्स के, अगर वो नीचे है, बिलो 18 ईयर्स है, तो वो माइनर कहलाएगी। और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी पर्सन है, वो एज लिमिट इसमें नहीं बताई गई है, इसमें कोई भी मतलब पर्सन है उसके जो वो अनसाउंड माइंड है, तो वो है ना मतलब इसमें माइनर कहलाया जाएगा। और विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन ऑफ सच माइनर, इसमें जो माइनर्स की कैटेगरीज बताई गई है, मेल फीमेल और अनसाउंड माइंड, अगर इनकी इनके गार्जियंस की कंसेंट के बिना उनको कहीं पे ले जाया जाता है, मीन्स विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन और सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन इज सेड टू बी किडनेप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, बिना उनके गार्जियन के कंसेंट के ले जाया जाएगा, तो किडनैपिंग कहलाएगी ऑफ सच माइनर। देन इसमें एक्सेप्शन दिया गया है, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट मतलब कि खुद का नहीं, मतलब खुद का बच्चा नहीं होना, किसी और के बच्चे को अपने बच्चा समझना, मतलब इलेजिटिमेट चाइल्ड, और हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड अनलेस सच एक्ट ऑफ कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। तो इसमें एक्सेप्शन में बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन गुड फेथ में मतलब कि गुड फेथ में बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड का वो अगर इन गुड फेथ में मतलब कोई मतलब उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहता, मतलब उसको उस बच्चों को अपना मतलब उसको पिता समझता है खुद का, हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी इंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी, और वह यह सोचता है कि मुझे इसकी कस्टडी मिलनी चाहिए लॉफुली, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा, मतलब उसमें इस सेक्शन में वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं कहलाएगी, जब तक कि अनलेस सच एक्ट कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, जब तक कि वह एक्ट इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं किया गया हो, अगर वह गुड फेथ में किया गया है तो वह कोई उसको किडनैपिंग नहीं कहा जा सकता, और अगर वो इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए किया गया है तो वह किडनैपिंग का। अब हम इस सेक्शन सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एक्सिस्ट, देयर मस्ट बी टेकिंग और इंटाइसिंग ऑफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड सब इसमें बताया गया है कि जो पहली कंडीशन है, इसमें इंग्रेडिएंट बताया गया है कि देर मस्ट बी टेकिंग और इंटाइसिंग ऑफ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये जरूरी होना चाहिए इसमें कि उस किसी किसी माइनर को ले जाना या बहला फुसला के ले जाना या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को किडनैप करना। सेकंड में बताया गया है कि सच माइनर मस्ट बी अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ फीमेल, अगर वो मेल है तो 16 ईयर्स के अंडर होना चाहिए माइनर, और अगर वो गर्ल है फीमेल है तो 18 ईयर्स के अंडर होना चाहिए। देन थर्ड, टेकिंग और इंटाइसिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ अ लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो भी जिस भी माइनर को ले जा रहे हैं वो इंटाइसिंग बेला फुसला के ले जा रहे हैं, तो वो मस्ट भी मतलब कि जरूरी होना चाहिए कि उसके जो लॉफुल गार्जियन से उनके ही कस्टडी से उनको दूर ले जाया जाए। देन फोर्थ बताया गया है, टेकिंग और इंटाइसिंग मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, जो माइनर को ले जा कोई भी अगर किडनेप करता ले जाता है तो वो मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, बिना गार्जियन के कंसेंट के ले जाता है तो वो इस सेक्शन में आता है। अब हम आते हैं सेक्शन 362 जिसमें एबडक्शन के बारे में बताया गया है। एबडक्शन, हूएवर बाय फोर्स कंपेल और बाय एनी डिसाइडफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू बी एबडक्टेड दैट पर्सन।